माता बाली से हम लोग नहीं जीतता था, काशीराम रियांग दो दो बार जीता है, हरिनाथ देव वर्मा चोरीलाम से जीता है जब वो जनरल सीट था। हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा, हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग फाइटिंग के लिए रेडी है और हम लोग को रंग के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। दिस इज माई ड्रीम, माई ड्रीम इज नॉट टू बी द चीफ मिनिस्टर। ये लॉलीपॉप है, तिपरासा को चीफ मिनिस्टर बना, लॉलीपॉप है, हमेशा दशरथ देव को चीफ मिनिस्टर बनाएगा लास्ट मोमेंट नृपेन चक्रवर्ती, ये लॉलीपॉप है, कुछ नहीं मिलता ये लॉलीपॉप से। महाजो को एमपी बनाएगा, महाजो को एमपी बनाएगा, दिल्ली जाके बोलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। महाजो को फायदा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, तिपरासा को क्या मिलेगा? इसके लिए खानसा का इंपॉर्टेंस बहुत है। और सैक्रिफाइस, तिपरासा तो सैक्रिफाइस में स्पीच देने में बहुत अच्छा है। सैक्रिफाइस वो होता है कि जो दोहा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 17 महीना बाकी है, सिर्फ 17-18 महीना, अगर आपने विश्वास किया, अगर हमारा मेवर ने, आज मंत्री नहीं है ये आज हमारा तिपरासा है, आई लव हिम, हमको बोल रहा है गीता इज एंग्री दैट हमने क्यों प्रेस कर, मुझे भी गुस्सा आता है, हम लोग इमोशनल, हम लोग सब वगैरह का बुकुंग भरा नहीं है लेकिन बुकुंग भरा लोग सब इमोशनल, ठीक है, लेकिन जितना गुस्सा भी होता है नेक्स्ट डे उतना प्यार भी करता है, दिल में नहीं रखता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है खत्म। लेकिन आज अगर हम लोग एक हो जाए, आप लोग प्रेशर डालो इनके ऊपर, आप लोग प्रेशर डालो, बोले महाराज हम जाए, बोले नहीं रुको, यू पुट प्रेशर इन हिम, जब तक आप लोग प्रेशर नहीं, बुबाका तो रेडी है। अब जो डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, अमित शाह से मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, मैं पीछे बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम लोग को कॉम्प्रोमाइज तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लास्ट, हम लोग का सोसाइटी क्या है, हम लोग तिपरासा है, ये लोग हम लोग को हल्का समझता, हम लोग का एक किंगडम है, एक राज्य था, ये एक ऐतिहासिक राज्य है, आज अपना ही हां में हम लोग को सेकंड क्लास बना के रखा है, क्योंकि हम लोग ने अपने बीच में झगड़ा किया। तो मेरा अनुरोध है, थानसा का मतलब सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नेता लोग का थानसा हो, वो तो होना चाहिए, थानसा का यह भी मतलब है कि अब देव वर्मा जमतिया कोलोय काइपेंग ब्रू रंगखोल चोरे 19 का 19 ट्राइब को समझना चाहिए कि ये जो हम लोग का, ये जो अंदर में हम लोग का जो फाइट है उसमें नुकसान हम लोग को ही हुआ है, और अगर 17 महीना हम लोग ने एक रखा तो पूरा परिस्थिति बदलेगा। बुबाग्रा आपको बोल रहा है मैं आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हूं, और आप कंपेल करो, आप हम लोग को प्रेशर डालो। आप जानते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करूंगा, डू यू नो व्हाई आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो हम लोग, आप लोग जानते हैं बुबाग्रा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा पूछो, क्यों नहीं करेगा, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्यों नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज, कोई बोलो, क्यों नहीं करेगा, मैं बोलू क्यों? इस बार अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो तिपरासा का दिल टूट जाएगा, सच में आप लोग का दिल टूट जाएगा, और ये मैं, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, इसके लिए आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, क्योंकि इस बार तिपरासा ने फिर से हम लोग ने धोखा दिया ना हम लोग को, तो अब उसके बाद तिपरासा और नहीं उठ पाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये हमारा लास्ट फाइट है, और ये फाइट में बुबाग्रा जीते या ना जीते,
तिप्रोसा को एक होकर ये लास्ट फाइट करना ही पड़ेगा। और आपको हम किसके लिए, आपने कंपेल किया है, हम इतना आगे चला गया है, इतना हमने आपको कमिटमेंट दे दिया है कि अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मैं मुझसे नहीं होगा। यहां में दोफा अब बुबाग्रा को चला रहा है, बुबाग्रा दोफा को नहीं चला रहा है। आपने हमको कंपेल किया है कि हम आपका तिप्रा लैंड हो या ग्रेटर तिप्रा लैंड का मूवमेंट को आगे ले जाए। तो आने वाला इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नेक्स्ट फ्यू 15-16 मंथ्स, आर यू ऑल विथ मी? Should Mewar be with me? Yes. Mewar, don't look at the phone, look at the crowd. We all love you. All you need to do is just be with me, I will be with you. Let's go. This is not a political program. This is not a political program. This is a Tiprasa program. And जिस दिन हम लोग सब एक हो गए, एक दिन जितेंद्र चौधरी को भी हम कंपेल करके यहां लाए और हम लोग सब एक हो गए, हम बोल रहे हैं आपको चांस मिलेगा, खुला आसमान, इंडिपेंडेंट सांस ले सकता है, आपका जगह, आपका एरिया, आपका ग्रेटर तिप्रलैंड या तिप्रलैंड, आसमान के ऊपर एक तिप्रासा, एक कामी से दूसरा कामी में अपना अपना हक, अपना संवैधानिक हक लेके घूम सकेगा। उस दिन हम लोग बात कर सकते हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डीजीपी बनेगा, कौन ये बनेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, हम लोग को एक होना चाहिए। वी ऑल शुड बी वन टिल वी डोंट गेट आवर ड्रीम। और वो सिर्फ 17 महीना दूर है। ये मेरा अपील है। आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक द इंजीनियर्स एसोसिएशन, जीवन, सुनील, ज्वाइंट एक्शन कमिटी, आप लोग यू हैव डन वंडरफुल थिंग्स। इन द कमिंग म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑल्सो आई एम गोइंग टू फाइट फ्रॉम अगरतला, टू प्रूव दैट इवन दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेटर तिप्रा लैंड। आई एम गोइंग टू फाइट। आई डोंट नो इफ ही विल विन और नॉट, जीतेगा नहीं जीतेगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे देख के बहुत लोग डरता है त्रिपुरा में, बहुत लोग बुबाग्रह को देख के डरता है। जानता क्यों डरता है? बुबाग्रह है इसके लिए नहीं डरता है, मेरा कॉन्फिडेंस है ना, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है कि अगर मैंने आगे से लीड किया तो आप लोग मेरा पीछे रहेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, और इस कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि सब इस जो डायस में है, जो यहां में है, एक संग लीड नहीं करना है वो बागरा को, कंधा पे कंधा लग के हिल को बेलाइन हम बाय। धन्यवाद खुलुमखा। आई विश एवरीवन अ हैप्पी इंडिजिनस डे। 19 तारीख को महाजबी विक्रम का जन्मदिन है, 23 तारीख को फिर से हम लोग का प्रोग्राम है एडीसी डे के लिए। ये महीने में बहुत प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, ये जो नेशनल पार्टीज लोग हैं ना, सिर्फ इलेक्शन का एक साल पहले सब चीज करेगा। हम लोग जो आंचलिक लोग हैं ना, हम लोग दिल से तिप्रासा है, वो लोग इलेक्शन का पहले एक साल पहले तिप्रासा बनता है, हम लोग पूरा जिंदगी तिप्रासा बन के रहेंगे। बेलाइन हम भाई, धन्यवाद सुनूंगा, थैंक यू। जरा करो, एक टाइम इज लेस, आई हैव अनदर प्रोग्राम। आई जस्ट वॉन्टेड टू से वन थिंग, मैं सिर्फ दो या तीन पॉइंट्स बोलना चाहता हूं। इंडिजिनस डे, व्हाट इज इंडिजिनस डे? वी आर ऑल इंडिजिनस। वो ऑल इंडिया रेडियो में कोई बोलता है वनवासी, जनजाति, आदिवासी। वनवासी तो हताई कतौर में बंगालीज भी है, उनको तो कोई वनवासी नहीं बोलता है।
वनवासी तो सुंदरबन में भी है, उनको तो कोई वनवासी नहीं बोलता है। What is indigenous? Hani Basu. What is indigenous? Bhumiputra. What is indigenous? Pikasa. Today, आज बुबागरा यहाँ में कोई बुबागरा का मतलब कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हैं बुबागरा कुपलाई जीतेगा, बुबागरा जीतने से कुछ नहीं होगा, पिपरासा को जीतना है, पिपरा तोफा को जीतना है। बुबागरा तो महाजग किरीट विक्रम तो एमपी बना, उदय भी बुबागरा जीता, महाजग किरीट विक्रम तीन तीन बार बना, राजमाता बना एमपी, पिपरासा जीता नहीं। ये आजकल न्यूज आता है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा विल बी अ तिपरासा। दशरथ देव भी तो तिपरासा था, तिपरासा को कुछ मिला नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है हम लोग के बीच? थमसा नहीं, कोई जमतिया, कोई देववर्मा, कोई काइपेंग, कोई रूपिनी, कोई ब्रू, कोई रंगहोल, कोई मौत, कोई चाकमा, कोई गारो, लेकिन तिपरासा कोई नहीं। कोई कलोय, रूपिनी, उच्चय, तिपरासा कोई नहीं। और मैं भी कांग्रेस में था, नेशनल पार्टी में मैं भी था, लेकिन आज हल्का लगता है माथा के ऊपर, क्योंकि आंचलिक हम लोग रीजनल है। आज आज जो दिल का अंदर बात है वो बोल सकता है, नेशनल पार्टी में वो बैठ के कोई बात वो नहीं कर सकता। आज यहां में इंजीनियर्स एसोसिएशन कर रहा है, तिपरा मोथा कर रहा है, आप हमको बताओ सीपीएम क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कांग्रेस क्या कर रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट, फाउंडेशन डे। बीजेपी क्या कर रहा है? इंडिजिनस के लिए कोई कर रहा है आज त्रिपुरा में 9th ऑफ अगस्त में? ये नेशनल पार्टी लोग कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग ही है यहां में। लेकिन इलेक्शन का एक साल पहले दिसंबर में त्रिंग सेलिब्रेट करेगा ये लोग, वोट चाहिए तिपरासा का, वोट चाहिए, वोट के लिए हम लोग तिपरासा को करो रिसा पहना दो, सब रिसा पहन के निकल जाएगा। और हम लोग इमोशनल बन के डिवाइड। यहां में नेवार है, नेवार को मैं मंत्री मानते नहीं हूं। नेवार को मैंने बचपन से देखा, मैं आई मेवार अपना मास्क भी मास्क खोल दीजिए, मेवार इतना प्यार करता, मेवार गुस्सा भी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करता, लेकिन प्यार अब आई लव हिम अ लॉट, क्योंकि मैं इसका दिल का अंदर क्या मेवार है मैं जानता हूं। आई नो हिम। और हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से? मैं तिपरा मोथा का चेयरमैन, मेवार आईपीएफटी का जनरल सेक्रेटरी, ये फाइट करो, हम लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? इनका डिमांड है तिपरा लैंड, मेरा डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड, मेरा डिमांड में तेलियामुरा है, अभयनगर है, नंदनगर है, कल्याणपुर शायद है, पार्ट तो विश्रामगंज है, इनके में एडीसी है, लेकिन डिमांड तो एक ही है ना, हमारा 2-3 किलोमीटर ज्यादा है। मैं मेवा सबके सामने यहां में मीडिया है, मैं बोला आई डोंट अपोज तिपरा लैंड, आई सपोर्ट तिपरा लैंड मूवमेंट। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरा ग्रेटर तिपरा को सपोर्ट करो। पॉलिटिकली जो भी होना है, अलायंस हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दिल्ली जाएंगे ना, आई वांट मेवार टू बी विथ मी, बिकॉज जब वो लोग हम लोग को देखता है, आपको लगता है कि दिल्ली में जो लीडर बैठा है वो मेवार और बुबागरा को अलग समझता, बोलता ये तो जनजाति है,
हमारा प्रॉब्लम एक, हम लोग का स्थिति एक है। मैं तो गण मुक्ति परिषद को भी बोलता हूं, जितेंद्र चौधरी प्लम्स हो गो है कहा, हम लोग एक संग मिलकर बात करते हैं। 70 साल से नेवर वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर गेटिंग नथिंग। और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा, एक टाइम जो हम लोग का तिपरासा 90% 70% 80% 60% 50% आज 30% है, जब डिलिमिटेशन होगा 2026 में, तो कहां रहेगा बुबागरा, कहां में रहेगा मेवार, कहां में रहेगा तिपरासा, कहां में रहेगा अपना पूरा दफा, कहीं भी नहीं। और ये लोग हम लोग को डिवाइड करते हैं, ना ना अपनी हुए जान अपनी मुख्यमंत्री हो गए, क्या मिलेगा मुख्यमंत्री से, हमको ना मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मंत्री भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, हमको सिर्फ तिपरलैंड या ग्रेटर तिपरलैंड चाहिए, अपना तिपरासा चाहिए। और आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी में एक बार थोड़ा सा फीलिंग लगाओ, यू नो हम लोग यू सेड तिपरासा किंगडम, तिपरासा किंगडम मैसूर किंगडम जैसा धनी नहीं था, तिपरासा के पास इतना पैसा नहीं था, महाराजा तिपरा के पास इतना पैसा नहीं था जितना ग्वालियर का राजा के पास था, जितना जोधपुर के राजा के पास था, जयपुर के पास था, लेकिन हम लोग अपना जमीन में खुला आसमान में अपना कामी में हम लोग अपना चाखुई बांगुई खाके हम लोग का अपना जगह था, अपना शासन था, सिर्फ एक परिवार का नहीं था, सबका था। आज क्या हो गया 70 साल में, क्या मिला है हम लोग को 70 साल में? तो 2023 में एक मौका मिलेगा हम लोग को, और उस फाइट में हम लोग तिपरासा लोग खामसा होके एक फाइट होके, ये तो एक लास्ट फाइट करेगा। और डिवाइड करने के लिए लोग हम लोग का मेवार हम लोग को फाइट लगाएगा, हमारा दोफा में लगाएगा, उनके वहां में लगाएगा, सबके वहां में लगाएगा। लेकिन अगर बुबागरा जीता तो ये बुबागरा का जीत नहीं है, ये आपका जीत है। एडीसी हरिनाथ देव वर्मा, रति मोहन जमतिया, श्यामा चरण त्रिपुरा, देव कुमार, जब वो लोग दिल्ली गया था एडीसी, एक लीडर था अगरतला में अशोक भट्टाचार्य, रक्त दिवो एडीसी देवो ना, ये उनका स्लोगन था। ये आप लोग को इतिहास है, थोड़ा सीख लो, यूथ यंग जनरेशन को समझना चाहिए। उस समय रति मोहन जमतिया को, श्यामा चरण त्रिपुरा को, हरिनाथ देव वर्मा को मंत्री ऑफर नहीं किया था, राज्यसभा का एमपी ऑफर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम लोग को ईडीसी मिला। आज हम लोग इंडिजिनस डे बना रहा है, 23 तारीख को ईडीसी डे है, क्योंकि उस समय हम लोग का जो सीनियर लीडर था टीओजीएस का, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आ टाइम हैज कम, हम लोग का टाइम आ गया है, ये जो मौका हम लोग के पास है आज, यू नो, टू ऑल द यंग जनरेशन, टू द बॉयज, टू द गर्ल्स, टू द सिकला सिकलीज, दिस इज योर लास्ट चांस, ये लास्ट चांस है हम लोग का कि हम लोग फाइट करें। और यहां में मीडिया है, मैं पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, कुछ शर्म नहीं लगता। मैं मेवार को बोलना चाहता हूं, मेवार अभी भी बात किया, हम लोग एक संग
दिल्ली जाकर एटलीस्ट मैं तिपरालैंड के लिए बात करूंगा, आप ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बात कीजिए, लेकिन हम लोग को एक संग दिल्ली में बात करना पड़ेगा। और आज मैं एडीसी जीता हूं तो जो आदमी जीतता है उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर कुछ अहंकार है। और मैं रेडी हूं दिल्ली जाके बोलने, अगर रेवती भी आता है वेरी गुड, लेकिन जब तक राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कमिटमेंट नहीं देगा मैं बेवकूफ नहीं होने वाला हूं। जैसे TTAADC ने राइटिंग में दिया था श्यामा चरण त्रिपुरा को, हरिनाथ देव वर्मा को, रति मोहन को, हमको राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। और ये जो बात है बी सिटी